तो ये वहां से जाके ऊपर जाके कहीं पे झूल रहा था। आपका टायर बच गया। ये है हम लोग का लोकेशन 2 किलोमीटर के आसपास ऑफ रोड करने के बाद ये है प्रॉपर्टी आपका मौजाला रिवर रिट्रीट। 3 hours later सो ये वाला जो आपका रिवर रिट्रीट है इसका नाम है मौजाला रिवर रिट्रीट। इसका लोकेशन है आपका जस्ट रेनो क्रॉस करके वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर पड़ता है। वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये है आपका रेस्टोरेंट और रात को कुछ ऐसा दिखता है ये आपका जो रिजॉर्ट या आप बोल सकते हो रिट्रीट है। यहाँ पे ज़्यादा रूम नहीं है, अराउंड 6 रूम यहाँ पे अवेलेबल है फिलहाल। तो छोटा छोटा पेड़ है ये वाला या फिर उधर वो वाला, ये सारा का सारा आपका एप्रिकॉट का पेड़ है क्योंकि एक आप बोल ऑफ बीट लोकेशन, दैट्स वाई यहाँ पे आप करोगे। आप जब इस रिजॉर्ट की तरफ आओगे जो आपको रोड करने मिलेगा टोटली वो एकदम कच्चा रास्ता में ताकि आपको वो ऑफ लेक आए। सो आप हाई एक्सपेक्टेशन के साथ मत आना यहाँ पे अगर आना चाहते हो कि आपको रास्ता, बट आप यहाँ पे रह कर अपने आप को एकदम नेचर के गोद में महसूस कर सकते हो क्योंकि इधर पूरा सन्नाटा है, क्रिकेट का साउंड आ रहा है। सामने ही आपको ऋषिखोला जो नदी है उसका आवाज़ सुनाई पड़ेगा और वह उसका आवाज़ सुनते सुनते ही आपको नींद आ जाएगा। तो हम लोग भी चले अब सोने, मिलते हैं आपसे कल सुबह, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज है आपका day 6। हम लोग अब यहाँ से रवाना देने का सोच रहे हैं। ब्रेकफास्ट हम लोग का यहाँ पे पेंडिंग है, ब्रेकफास्ट 7:15 तक करके यहाँ से 8 बजे तक निकलने का हम लोग प्लान किए हैं। वैसे व्यू कुछ और ही है यहाँ का, जस्ट यहाँ पे देखो सनराइज हो रहा है पहाड़ के नीचे, ऊपर से निकला एकदम। और यहाँ पे आप ये देखो सुबह का नज़ारा। कुछ नदी के किनारे होने का ये एक फ़ायदा है ना कि हमेशा आपको रात को एक हल्का हल्का पानी का बहने का आवाज़ आ रहा है। ऋषिखोला नदी के एकदम किनारे किनारे चल के जाना यार एक अलग ही फील आ रहा है। उम्मीद है आपको ये सब शॉर्ट्स अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा ना तो पता ना क्या करना है आपको, लाइक कमेंट और शेयर तो ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो यार। वैसे इस लोकेशन का सारा डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहने वाला है और जो कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा वो आपको नीचे देखो शो कर रहा होगा। थोड़ा टायर्ड हो गए पहाड़ पर चढ़ने का हैबिट है नहीं हम लोग को। चलो कोई नहीं, अब धीरे धीरे करते हैं पैकिंग और यहाँ से निकलते हैं आगे। लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकल रहे हैं आपका टुवर्ड्स रायगंज की तरफ। 9 बज रहा है आई थिंक, 9:30 बज रहा है ना अभी, वही 9:30 बजे के 9:35 के आसपास अभी टाइम हो रहा है। ये नदी का आवाज़ ज़रूर मिस करेंगे यहाँ से जाने के बाद। हाँ धीरे धीरे जाना। सो फाइनली वी आर बैक ऑन रोड। ये वाला था आपका मौजादा रिवर रिट्रीट। इसका 2 एंट्रेंस है, आगे से भी है और पीछे से भी है। बाइकर्स लोग पीछे से जाते हैं और जो 4-व्हीलर लेके आए वो लोग आगे भी रुक सकते हैं। खास बात यही है कि इसका एकदम ऋषिखोला नदी के पास ये आपका जो रिट्रीट है बसा हुआ है, ये इसका USP यही है। और आपको इस रिजॉर्ट में, इस रिट्रीट में आने के लिए आपको अराउंड 2 या 3 किलोमीटर आपको शायद
ऑफ रोड करना पड़े, 2 या 3 किलोमीटर नहीं, 1.5 किलोमीटर के आसपास पकड़ के चलो आप, आपको ऑफ रोड एकदम प्रॉपर ऑफ मिलेगा जहाँ पर रास्ता ही नहीं है। खैर चलो कोई नहीं, सब अच्छा सब बढ़िया। यहाँ पे एक बंदा था रुपेश बोलकर, काफ़ी सही लड़का था यार, बहुत हेल्प किया हम लोग को रुपेश। देखो जैसे ऐसा आपको रास्ता कुछ मिलेगा जहाँ पे रास्ता है ही नहीं, मिट्टी रहेगा, मिट्टी से ही धीरे 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 भाई यहाँ धीरे जाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग का आज का डिस्टेंस काफ़ी कवर करना है, हम लोग को रायगढ़ तक जाना है। रास्ता बोलकर कुछ है नहीं, थोड़ा कंकड़ पत्थर फेंका हुआ है, ग्रिप दम चक्का का है नहीं। हम लोग कल कैसे इस पर उतर गए हम लोग को ही समझ में नहीं आया, जबकि उतरना और टफ होता है, लेकिन चढ़ने के ढंग थोड़ा घबराहट हो रहा है इस जगह को देख के, भगवान जाने क्यों। उज्जवल ने भी अपनी वाइफ को उतार दिया, हमको ही मजबूरी में उतारना पड़ा भाई, जिसका पांव पहुंच रहा है अगला लेके नहीं जा पा रहा है, हम इतना रिस्क ले नहीं सकते। अकेले होते तो कोई बात नहीं, जैसे अकेले भी जा रहे, बट वाइफ को लेके तो भाई वही है ना, थोड़ा मन घबराता है। मैं पहला तकलीफ हुआ था इन लोगों को नाथांग वैली में जब ठंडा लगा था, दूसरा तकलीफ ये हुआ है जब इन लोगों को पूरा अराउंड 3 हेयरपिन बेंड इन लोग को पैदल क्रॉस करना पड़ा है, ये इन लोग के लिए अचीवमेंट होगा। चलिए अब यहाँ से हवा ही हवा लग गया, कोई टेंशन नहीं है, आओ थोड़ा पानी ओवरएस पी लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम लोग फिलहाल जैसे आप देख रहे हो कि सिक्किम में जस्ट पार का वो वाला पार ही वेस्ट बंगाल है आपका, वो वाला पार वेस्ट बंगाल है, ये वाला पार आपका सिक्किम है, और इन दोनों स्टेट को डिवाइड कर रहा है आपका ऋषिकोला नदी। सो आज हम लोग कवर करने वाले हैं आपका रायगंज तक, रायगंज तक का डिस्टेंस है आपका ऋषिकोला से अराउंड 270 किलोमीटर, जिसमें से 100 किलोमीटर आपका रहेगा पहाड़, और उसके बाद आपका हाईवे चालू हो जाएगा। जो ओरिजिनल कॉपी था वो सबमिट कर दिया सर लिंगदम में। अच्छा अच्छा ओके है सर सामने, हाँ सब एक साथ है, बस है निकाल दे, वैसे आधार कार्ड है सर, हो गया छोड़ दीजिए, ओके सर थैंक यू। इसके बाद कोई चेक पोस्ट आएगा क्या सर? अच्छा अच्छा ठीक। सो ये था आपका सिक्किम, और यही वाला ब्रिज आपको कनेक्ट कर रहा है सिक्किम को वेस्ट बंगाल से, और हम लोग का जो स्टे था वो ठीक इसके पास है, यहाँ से दिख रहा था, ये आपका है वेस्ट बंगाल चेक पोस्ट, कितना पास पास है ना, हम लोग एंटर कर गए अब वेस्ट बंगाल। वो था सिक्किम, ये था वेस्ट बंगाल, दोनों स्टेट को कनेक्ट कर रहा है जस्ट ये ब्रिज। पहुंचो तो यहाँ पे क्या है, कोई परमिट का फोटोकॉपी या वो सब नहीं देखते हैं, यहाँ पे जस्ट एक एंट्री होता है, वो एंट्री उसमें लिखा हुआ रहता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बाइक का नंबर नोट कर ले, और होगा तो जरूर से मैक्सिमम आईडी प्रूफ आपका मांग सकते हैं देखने के। तो इधर कैलिमपोंग डिस्ट्रिक्ट के साइड में, मतलब जस्ट आपका बॉर्डर क्रॉस करने का अराउंड 5 किलोमीटर बाद देख रहे हैं रास्ता पूरा अभी काम चल रहा है, तो बीच बीच में आपको पैचेस मिलेगा पूरा, और बीच बीच में तो रोड ही नहीं मिलेगा आपको, जैसे अभी हर जगह क्या है आपका जो जेसीबी वाला गाड़ी है पत्थर तोड़ने का काम कर रही है या मिट्टी उठाने का काम कर रही है, यही सब है फिलहाल। तो अभी का लेटेस्ट अपडेट रास्ता का यही है। जिस रास्ता में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे उस रास्ता से वापस हम लोग को यू टर्न लेना पड़ा, वो रास्ता बंद है अभी के टाइम पे, तो वहाँ पे जो भैया थे वो बता रहे थे कि हम लोग को पेडोंग होकर जाना पड़ेगा। चलो पेडोंग सामने ही है जिस जगह से आप, और हम लोग को इधर नहीं जाके लेफ्ट राइट नहीं जाके, यहाँ से हम लोग को पेडोंग का एक छोटा सा बोर्ड था, चलो हाँ ऐसा ही बोलते। तो सो इस पेडोंग और इसी रोड पे हम लोग को कंटिन्यू करना है अराउंड 1.8 किलोमीटर, टोटल आपका 2 किलोमीटर का ये जो है आपका क्या बोल सकते हो डाइवर्जन था, और इसमें कोई रश भी नहीं है तो अच्छा है, रास्ता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इधर वाला रास्ता में आराम से आ सकते हो।
5 minutes later. हमें तो असलम। पिछले एक घंटा से हम लोग यहाँ पे बैठ के उजला का टायर बनने का वेट कर रहे हैं। एक तो बेचारा 700 मीटर करीब करीब धक्का देके लाया, क्योंकि और कोई हमारे पास ऑप्शन था नहीं उसको यहाँ तक लाने। देखते हैं कितना टाइम और लगता है कि उनका ट्यूब जो है पूरा गया। नया ट्यूब लग रहा है MRF का एक नया। मुस्कुराइए, आपका टायर बच गया। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में डॉगी हमको मिलता है। इस बार ये वाला डॉगी मिला हमको, इसका नाम रख देते हैं मेरी। सो उज्जवला का बाइक हो गया भाई रिपेयर। अब हम लोग यहाँ से रवाना दे सकते हैं रायगंज की तरफ। यहाँ पे अराउंड हम लोग 1 घंटा 20 मिनट का ब्रेक लिए हैं, बट कोई नहीं, कोशिश करेंगे कि जितना हो सके मेकअप करने का। ऑल सेट? ठीक है, ऑल सेट। तो सामने है आपका आदल वर्कशॉप, क्या यह आपका पड़ता है पेडोंग से ठीक 2 किलोमीटर के अंदर ही है। भारत पेट्रोल पंप रहेगा, उसके सामने रहेगा ये। अगर कोई मुसीबत होता है तो आप यहाँ पे आके करवा सकते हो। आदल वर्कशॉप 21st माइल में उनका दुकान है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। हम एक चीज अच्छा हुआ कि गर्मी झेलना नहीं पड़ा, मौसम अच्छा हो गया था, बारिश जैसा क्लाउडी हो गया तो ये हम लोग को बचा लिया। अदरवाइज और प्रॉब्लम होता है यहाँ पे गर्मी में। पहाड़ का तो यही खासियत है ना यार, मौसम जब तक बदल जाता है, एकदम कभी गर्म कभी ठंडा, एकदम तुरंत हो जाता है। चलो, इस जगह का नाम है आपका सैकियोंग। सैकियोंग से हम लोग निकल रहे हैं टुवर्ड्स रायगंज। सो इस जगह का नाम है आपका सिलेड़ी गांव। ये भी आपका एक बोल सकते हो एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट है, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारा जो स्पॉट्स है आप कवर कर सकते हो एक दिन के अंदर। बहुत जन जो ऑफबीट जगह खोजते हैं ना, सिलेड़ी गांव इज वन ऑफ देम। अगर आप लोग इधर कभी आ रहे हो कैलिम्पोंग साइड, आप कैलिम्पोंग में सिलेड़ी गांव जरूर कवर कर सकते हो आप। रास्ता आप देख रहे हो, ये रास्ता भी आपको सिलीगुड़ी लेके जाएगा, लेकिन ये आपको गोरुबथान होते हुए लेके जाएगा। मतलब आपको अराउंड 20-25 किलोमीटर से ज्यादा घूमना पड़ेगा। और ये वाला रास्ता आपका कैलिम्पोंग होके जा रहा है, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा आपको। तो हम लोग कैलिम्पोंग वाला रास्ता ही पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी देख रहे हैं बारिश का एक बूंद गिरा यार, भगवान से प्रे करें बस बारिश ना हो अब यार। बहुत मुश्किल में आने वाले अपने, ऑलरेडी काफी लेट जा रहे हैं। 5 minutes later तो ये घर तो अपने को जाना ही है ना, बट ऐसे यार अगर आप पता लग रहा है कि पहाड़ का भाई बहन सब एक ही जगह बसा हुआ है, उस चीज को छोड़ा नहीं जा सकता ना। काफी सुंदर है यार। लेफ्ट लेफ्ट, हाँ यहाँ से कैलिम्पोंग 12 किलोमीटर, गैंगटॉक 90, सिलीगुड़ी 79। राइट वाला आपका चला जा रहा है रांको की तरफ वापस, और लेफ्ट वाला जा रहा है सिलीगुड़ी की तरफ। चलो अपने तो लेफ्ट ही जाएंगे। वैसे वो रास्ता का नाम था भालू मार्ग। तो हम लोग एंटर किया आपका कैलिम्पोंग टाउन। कैलिम्पोंग टाउन में क्या है ना, यहाँ से 2 रास्ता डिवाइड हुआ है, और मुझे अभी पता चला ये रास्ता वन वे है, यहाँ पे आप बोथ वे में नहीं जा सकते। तो नीचे वाला रास्ता आपका उतर रहा है टुवर्ड्स सिलीगुड़ी, और जो ऊपर वाला रास्ता था वो आपका जा रहा है टुवर्ड्स सिक्किम। कैलिम्पोंग में एक ही थिएटर है, ड्रीम थिएटर सिनेप्लेक्स, डॉल्बी सिनेमा के साथ सपोर्ट। ये सही था यार। सो यहाँ से आपका त्रिवेणी ब्रिज का डिस्टेंस है और 5 किलोमीटर्स, और हम लोग अभी भी उतर रहे हैं भाई पहाड़ से। तो ये आपका कैलिम्पोंग से हम लोग निकल गए बाहर, यही था आपका कैलिम्पोंग का गेट। देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए आपका तीस्ता ब्रिज। हम लोग अब क्रॉस करने वाले हैं तीस्ता रिवर। बहुत जन ये भी मानते हैं कि यही आपका नॉर्थ बंगाल आने का एक बोल सकते ना एक रिजेम्बलेंस है। एक फोटो ले लीजिए ना यहाँ पे। ओ तो हम लोग जब कोलकाता से सिक्किम की तरफ आ रहे थे, हम लोग यहाँ पे रुके नहीं थे, सोचा था रुक के एक फोटो अब हो जाए भाई, जो मिस हो गया है ना। 5 minutes later रुके थे आपका प्रयास होटल पे। यहाँ पे हम लोगों ने खाया रोटी तड़का, और सुनील दा खाया आपका वेज थाली का, जो क्वालिटी था ठीक ठाक था, नॉर्मल था, मतलब खा सकते हो, लाइट खाना था, ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना था नहीं। सो अगर लगे अगर थोड़ा लाइट खाना है यहाँ पे आप चेक इन कर सकते हो। सो हम लोग का लंच कंप्लीट। हम लोग लंच किया आपका प्रयास होटल में। ये आपका जस्ट तीस्ता ब्रिज क्रॉस करके थोड़ा दूर में ही है आपका, जगह का नाम है गेलखोला NH10 के ऊपर। खाना बहुत सही था यहाँ पे, दाम भी ठीक ठाक था। 120 में आपको वेज थाली मिल जा रहा है, 60 में 3 पीस रोटी और सबको 3 तरह का सब्जी और तड़का मिल जा रहा है, और क्या चाहिए भाई।
चलो यहाँ से निकलते हैं, लेट हो जाएगा वरना। वो जो ग्रे कलर वाला होटल है वो वाला वही है, शायद होटल का रूम भी है, आई थिंक रेस्टोरेंट कम होटल है, बट इसका लोकेशन काफ़ी अच्छा लगा, खाना भी अच्छा था। और यहाँ भाई ये नदी अपना महानंदा, अब उसी के किनारे किनारे हम लोग को जाना है आपका सेवोक तक। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी भी बहुत दूर चलाना है हमें। मेरे लेफ्ट में आप जो ब्रिज देख रहे हो, यही वाला ब्रिज अपना साउथ बंगाल को नॉर्थ बंगाल से जोड़ता है, एक तरह से बोल सकते हो। ये वाला महानंदा नदी के ऊपर ये वाला ब्रिज बना हुआ है, और थोड़ा दूर के बाद ही आपका आएगा राइट साइड में सेवोक रेलवे स्टेशन। ऑलरेडी गेट पड़ा हुआ है, दैट मीन्स कोई ट्रेन जरूर क्रॉस करेगा। ये ट्रैक साउंड भी कमाल का लगता है ना यार, सुनो जस्ट। इंडियन रेलवे का अपना ही फील है भाई, फॉरेन में तो ऐसा रेलवे का ट्रैक, रेल ट्रैक का आवाज आता है नहीं। राइट में ही आपका सेवोक रोड स्टेशन, और ये भाई अपना नॉर्थ बंगाल का ट्रिप करके आ रहा है ये आपका माल गाड़ी, लोडेड है पूरा पत्थर से लोडेड है ये। उधर से करते ना, तो अभी का टाइम हुआ 5:10 और पहाड़ हो गया भाई अब खत्म। ये लास्ट हम लोग चोटी पे चढ़े हैं, और सिक्किम और इवन नॉर्थ बंगाल को यहाँ से अपने कर दिए भाई, टाटा बाय बाय। ऊपर ग्लोब देख रहे हो, अगर इधर से हम लोग राइट जाएंगे तभी हम लोग पहुंच पाएंगे आपका कर्सियंग और दार्जिलिंग। बागडोगरा और कोलकाता जाने के लिए अपने को पकड़ना होगा सीधा वाला रास्ता। वैसे दार्जिलिंग सिलीगुड़ी से बहुत सामने है यार, ओनली 77 किलोमीटर है। इसके क्रॉस किया, इसने चालान खाया। ये सनसेट होने ही जा रहा है, हल्का सा देखो आप, लाल जैसा कलर हो गया आइटम, टक टक टमाटर जैसा। अंधेरा होने ही वाला है कुछ देर में यार, खैर कोई नहीं, चलो अपने जर्नी पे ध्यान देते हैं अभी फिलहाल। बागडोगरा एयरपोर्ट के पास ही से चाय बागान चालू होता है, सोचा था मैं कि यहाँ पे ड्रोन उड़ाऊंगा, बट क्या ये पूरा आपका नो ड्रोन जोन है यहाँ पे, अगर ड्रोन फ्लाई करूँगा आर्मी पकड़ के ले जाएगा मेरे को। बट काफ़ी खूबसूरत लगता है भाई ऐसे चाय का बागान देखने, पता नहीं ऐसे इसके बीच में बैठ के चाय पीने का मज़ा कब मिलेगा इधर, डोंट नो। यहाँ से रायगंज का डिस्टेंस है अराउंड 163 किलोमीटर्स, हम लोग को टाइम लगेगा मे बी 8:30-9 या 9 बजे के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे, आशा करते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो। आज का हम लोग का जो टाइम किलिंग था वो आपका वो उज्ज्वला का जो टायर ट्यूब जो खराब हुआ ना, ट्यूब तो पूरा उनका बेकार हो गया, उनको नया ट्यूब ही लेना पड़ गया, बस वो भारी पड़ गया अपने को आज। 1 hour and 45 minutes वहाँ पे हम लोग का वेस्ट हुआ, वरना अभी तक हम लोग बहुत दूर निकल चुके होते हैं।
करीबन नहीं भी तो मैं ड्रोन उड़ाने के लिए बहुत दूर आया, बट फिर भी दिखा दिया कि यहाँ पे अगर ड्रोन उड़ाना है तो अपने लाइबिलिटी पे उड़ाना है, तो दैट्स वाई मैंने ड्रोन उतार लिया, क्योंकि अगर किसी तरह से अगर इंटरफेरेंस होता है अगर एयरक्राफ्ट को तो वो सही नहीं होगा यार। तो ड्रोन शॉट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो भाई फ्लाइट का सेफ्टी है, सो इसलिए मैंने ये सब शॉट नहीं लिया, और आप जितना देख पाए हो बस मेरे पास उतना ही लेने का टाइम था। और गजौल 206 किलोमीटर। सो भाई ये आपका आ गया बाईपास, हम लोग को यहाँ से अब लेना है राइट और पकड़ना है हाईवे और किशनगंज यहाँ से 78 किलोमीटर, बट हमारा जो डिस्टेंस है अभी भी 154 किलोमीटर है, पता नहीं यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेट्स सी। एक काम करते हैं, इधर से आप ज़्यादा शूटिंग नहीं करते हैं, इधर से ज़्यादा रिकॉर्ड करके कुछ फ़ायदा है नहीं, आपको खाली हाईवे दिखेगा और अंधेरा हो चुका है तो व्यू भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो भाई साहब हम लोग आ गए हैं इस्लामपुर और दे सके हैं अंदर रूम का पता करने। वहाँ से जाके ऊपर जाके यहीं पे झूल रहा था, मैं वही सोच रहा था अचानक इसका सिग्नल लॉस्ट हो गया, उसके बाद रिटर्न टू होम किया आया ही नहीं, जिस लोकेशन से स्टार्ट किया था उस लोकेशन से इसको आना चाहिए, बट इसको पता नहीं क्या शौक चढ़ा ये ऊपर से आया, दैट्स व्हाई ये बंद पड़ गया, उसको टेस्ट करना पड़ेगा ठीक है कि नहीं।